नमस्कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। भोपाल से बड़ी खबर, एनजीटी की फटकार के बाद अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। एनजीटी ने नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। दरअसल बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर स्थायी निर्माण किया गया था और 1 महीने का एनजीटी ने समय भी दिया है इस पूरे अवैध निर्माण को हटाने का। तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। एनजीटी ने आदेश दिया था और एनजीटी की फटकार के बाद अब ये अवैध निर्माण तोड़ने का काम जारी है। नगर निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना भी एनजीटी ने लगाया है। आपको बता दें कि बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण किया गया था, उसे हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लेकर स्थायी निर्माण वहां पर कर लिया गया था और 1 महीने का इसे हटाने का समय भी दिया था। 1 महीने के अंदर इस अवैध निर्माण को हटाने का समय एनजीटी ने निगम को दिया था। न केवल निगम पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा बल्कि फटकार भी मिली और अब जाकर नगर निगम इस अवैध निर्माण को हटा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भोपाल के बड़े तालाब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध निर्माण और स्थायी निर्माण कर लिया गया था, जिस पर एनजीटी ने निगम को न केवल जमकर फटकार लगाई बल्कि 1 माह का समय भी दिया कि इस अवैध निर्माण को वहां से हटा लिया जाए और 1 करोड़ का जुर्माना भी नगर निगम पर एनजीटी ने लगाया था। और इस वक्त की बड़ी खबर है, बाल बाल बचे पंजाब सीएम भगवत मान। जालंधर में नदी पार करते समय उनकी नाव डगमगा गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बाल बाल बचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अचानक ही नदी पार करते हुए भगवंत मान की जो नाव थी वो डगमगा गई। जालंधर में नदी पार करते समय डगमगाई मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें जालंधर से सामने आई हैं जहां नदी पार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाव अचानक से डगमगा गई। ये तस्वीरें देखिए आप, अचानक संभव है कि किसी लहर की वजह से ऐसा हुआ हो या कोई और कारण, लेकिन ये तस्वीरें जरूर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नाव डगमगाने लगी। क्या इसके पीछे वजह रही? कई बार नाव में बैठे लोगों की मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई नदी की लहर इसकी वजह बनी। और अगली खबर क्या करेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है, कूनो में चीते की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल विशेषज्ञ कूनो पहुंचकर जांच करेंगे। चीतों को माहौल में ढलने में समय लगेगा, वातावरण में ढलने के लिए 1 वर्ष का समय दो। मध्य प्रदेश से कहीं नहीं शिफ्ट किए जाएंगे चीते, ये कहा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। पूरी व्यवस्था और प्रशिक्षण को देख रही है। हमने जो चीतों के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी समीक्षा और बातचीत जारी है। चीतों का पूरी तरीके से अच्छी देखभाल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी हमारी एक टीम भी वहां पर जाएगी, पहले भी रिव्यू करा था और हम ये मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना था उसमें जो जो संभावनाएं जताई हैं उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। ये पूरा 1 वर्ष अभी उनके सेटल होने का है। मैं आशा करता हूं कि प्रोजेक्ट ठीक ढंग से चले।
और उज्जैन से बड़ी खबर है, निजी हॉस्टल के 30 से 35 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। गंदे पानी के इस्तेमाल से बताया जा रहा है कि सेहत बिगड़ी है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। नाराखेड़ा थाने के तपोभूमि क्षेत्र का मामला है ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां निजी हॉस्टल के 30 से 35 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है, गंदे पानी के इस्तेमाल से तबीयत बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। नानाखेड़ा थाने के तपोभूमि क्षेत्र का मामला है। ये तस्वीरें उज्जैन से, जहां निजी हॉस्टल के 30 से 35 छात्र अचानक बीमार हो गए हैं, तबीयत उनकी अचानक बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि गंदा पानी के इस्तेमाल की वजह से सेहत बिगड़ी है इन छात्रों। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सावन की पहली शिवरात्रि होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। तड़के सुबह मामा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि सावन महीने में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। बाबा को जल से नहलाकर महा पंचा अमृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध दही घी शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शिव को समर्पित त्यौहार चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। रतलाम में पुलिस ने एक बार फिर बदमाशों की रंगदारी निकाली है। पुलिस ने क्षेत्र में हफ्ता वसूली और रंगदारी मांगने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला। मामला रतलाम के जवाहर नगर क्षेत्र का है, जहां चार बदमाश बीते कई दिनों से नशा कर लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी कर रहे थे। मारपीट घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें रुपए नहीं देने से नाराज ये बदमाश एक युवक को बहरहमी से पीट रहे हैं। तस्वीरें देखिए बदमाशों की करतूत की। ये बदमाश क्षेत्र में रौब जमाने के लिए रोड पर पुशअप भी लगा रहे हैं, साथ ही कुछ घरों के सामने गंदगी तक करने से पीछे नहीं है। ये सब घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, और जब ये बदमाश हाथ आए तो हुआ ये। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस ने इस बदमाशों की हेकड़ी निकाली। पुलिस ने बदमाशों को पकड़कर सारे बाजार जुलूस निकालकर ये बता दिया कि कानून का खौफ होना कितना जरूरी है। मम्मी पापा में खुशियां नहीं दे पाया, इसीलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। ग्वालियर में एक 12वीं के छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर किले से छलांग लगा दी। अनिकेत पटेल शुक्रवार को कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था, इसके बाद घर नहीं पहुंचा। कोचिंग की जगह किले पहुंच गया, जहां उसने किले की दीवार से छलांग लगा दी। किले की दीवार पर उसका बैग रखा मिला, जिससे उसकी पहचान हुई। उसके बैग से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है, मम्मी पापा मैं खुशियां नहीं दे पाया, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। छात्र डिप्रेशन में बताया जा रहा था, वहीं उसके सुसाइड नोट से प्यार का एंगल भी नजर आ रहा है, जिसमें उसने उस युवती का भी जिक्र किया है जिससे वो प्यार करता था। बताया जा रहा है कि अनिकेत डिप्रेशन में चला गया था, इसीलिए उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है। आधा एमपी भारी बारिश के बाद पानी पानी हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं, पुलिया बाढ़ के पानी में समा गई है। बाढ़ और बारिश के बीच जिंदगी मौत बन रही है। सिवनी में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां बाढ़ ग्रस्त पुलिया को पार करते समय छात्राएं पानी में बह गई। मामला लखनवाड़ा थाने के सरगापुर गांव का है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और उफान मारते नदी नालों में जिंदगी बह गई। पुलिया पार कर रही छात्राओं में एक छात्रा को तो बचा लिया गया, तो वहीं एक अन्य की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।
ये हादसा स्कूल से घर वापस लौटते वक्त हुआ। मौके पर क्षेत्रीय विधायक से लेकर कलेक्टर पहुंच चुके हैं और लापता छात्रा की तलाश के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच बैतूल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां उफनते नाले को पार करते स्कूली बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे स्टॉप डैम पर पटिया रखकर नाले को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें चिचोली ब्लॉक की हैं, जहां बच्चे शॉर्टकट के रास्ते स्कूल जा रहे हैं। दूसरे रास्ते से स्कूल की दूरी करीब 8 किलोमीटर दूर है, जिसके बाद बच्चे इस शॉर्टकट रास्ते से रोजाना धौल गांव से ऊंचा गुहान जाते हैं। वहीं प्रशासन इस बात से बेखबर है, एक छोटी सी गलती जिंदगी पर आफत बन सकती है। बारिश के बाद पानी हर ओर लबालब भर गया है। रास्ते पुल सभी नदियों में समा गए हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसा एक मामला दमोह से आया है, जहां स्कूल छात्र नाव के सहारे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। तस्वीरें पथरिया विकास खंड के सागोनी गांव की हैं, जहां स्कूली छात्र छात्राएं नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। नदी में पानी का जलस्तर इतना अधिक है कि किसी भी समय हादसा हो सकता है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास की सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जान को हथेली पर रखकर छात्र नदी पार करके स्कूल पहुंच रहे हैं। बाढ़ से दिल्ली पानी पानी हो गई है। आईटीओ की सड़कों से लेकर राजघाट और किसान घाट तक पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दिल्ली वालों पर संकट टला रहे हैं। पिछले 4 दिन से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को गिरफ्त में लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। हालांकि 2 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं होने से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आज यानी 15 जुलाई को हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजधानी के इंद्रप्रस्थ इलाके में यमुना नदी में बने ड्रेनेज का रेगुलेटर टूट गया था, जिसे सेना की मदद से ठीक कर लिया गया। आईटीओ बैराज का एक गेट भी खोल दिया गया। हालांकि अभी भी बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किला, आईटीओ, बेला रोड और आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमें अभी भी तैनात हैं। अब इसे रेलवे की लापरवाही कहें, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कहें, लेकिन जिस तरह एक रेलवे लाइन धस जाती है तो सवाल खड़े होते हैं, वो भी तब जब ना बारिश हुई और ना बाढ़ आई। उसके बावजूद खंडवा में निर्माणाधीन दौर अकोला रेल लाइन का ट्रैक धस गया, जिसके बाद रेलवे इंजीनियर मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक को सही करने का काम करने में जुट गए। मशीनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त ट्रैक को हटाने का काम किया गया, तो वहीं सेफ्टी वॉल के मलबे को भी हटाने का काम जारी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर बिना बारिश और बाढ़ के ऐसी स्थिति कैसे बनी। जिस तरह ट्रैक धंसा, ये हादसे को बुलावा दे रहा था। खंडवा जिले के गुड़ी टाकलखेड़ा के बीच का ये काम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद करा रहा था और अब काम में लापरवाही सामने आई है। रेलवे के काम की क्वालिटी पर सवाल भी उठने लगे हैं। सड़क पर पलटी इको वैन, सामने खड़ी भीड़। तस्वीर शाजापुर की है, जहां एक गाय से टकराकर इको वैन पलट गई। कलेक्टर दफ्तर के सामने हुए इस हादसे में वैन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं जिस गाय से वैन टकराई थी, उस गाय की भी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे और ये सभी लोग शाजापुर के निवासी हैं, जो मक्सी से शाजापुर आ रहे थे। इसी दौरान कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर अचानक गाय आ जाने से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और इको वाहन गाय से टकरा कर तेजी से पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने वैन में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और गाड़ी को रास्ते से हटाया। हादसे में गाड़ी में सवार घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका फिलहाल उपचार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। गर्भवती महिला मजदूर की मौत हो गई है। 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं इस हादसे में। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर पर 50 से अधिक मजदूर सवार थे।
धान रोपाई के लिए। बताया जा रहा है कि मजदूरों को ट्रैक्टर में भरकर सरवानी गांव से हरदी गांव लाते वक्त यह हादसा हुआ है। सरवानी गांव से लेबर लेकर हरदी गांव जा रहा था, ये ट्रैक्टर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली शायद पलट गया और घटनास्थल में ग्रामीणों ने चक्का जाम भी कर दिया। इस हादसे के बाद घायलों और मृतक महिला परिवार को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र के लिमतरी की ये घटना है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, क्या स्थिति है घायलों की अभी और दूसरा ये हादसा कैसे हुआ? जी देखिए, माल वाहक में हमेशा से सवारी ढोने का काम किया जाता है और ये मजदूर हैं, धान रोपाई के लिए गए हुए थे और 50 से अधिक लोग इसमें सवार थे और धान रोपाई के कार्य के लिए सभी ट्रैक्टर में सवार होकर गए थे। अचानक अनियंत्रित होकर ये पलटी है और इसके वजह से एक गर्भवती जो मजदूर है उसकी मौके पर मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर में भर कर ये सभी जा रहे थे और सरवानी गांव के ये लेबर हैं और हरदी जा रहे थे, ट्रैक्टर अचानक पलट गई है और ये लगातार इस तरह के परेशान घटना है वो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, चाहे जो पिकअप वाहन हो या फिर ट्रैक्टर हो, इस तरह से सवारी छूट छूट कर ले जाते हैं और यही हादसे का एक सबब बनता है। जी जी, शुक्रिया युगल आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। खरगोन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। आबकारी विभाग ने आदिवासी अंचल में अवैध रूप से निर्माण कर रहे शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की टीम ने दबिश देते हुए 120 लीटर हाथ भट्टी शराब और 3000 किलो महुआ लहान भी जब्त किया। जब्त सामग्री और अवैध शराब बनाने के उपकरण की बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए है। ये कार्रवाई सहायक आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश पर हुई है। आबकारी अमले ने सातराटी, उमरिया, पिपलझोपा और सरवेल में दूरस्थ नदी किनारे अवैध शराब ठिकानों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के तरन तारण जिले के भीखी विंड गांव के रहने वाले सबरजीत सिंह की दर्दनाक कहानी अब जानते होंगे। वही सरबजीत जो जासूसी के शक में पाकिस्तान के जेल में सालों साल बंद रहा, उससे ही मिलती जुलती एक और सबरजीत की खबर आई है जो पाकिस्तान के जेल में बंद है। ये है बालाघाट के खैरलांजी गांव का रहने वाला प्रसन्नजीत जो पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है। परिजनों ने जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस वक्त खबर है दीपक बैज पीसीसी, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की गई थी। भारी हुजूम दीपक बैज के स्वागत के लिए रायपुर में इकट्ठा है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और करेंगे। ये तस्वीरें, रायपुर पहुंचे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। कांग्रेस दफ्तर में पदभार भी वो ग्रहण करेंगे आज। उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की गई हैं, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उनके स्वागत में और ये तस्वीर, हाल ही में बदलाव हुआ है संगठन में, ये बड़ा बदलाव हुआ है। मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर वो पदभार ग्रहण करेंगे। ये तस्वीरें एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी नई जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। आला कमान ने भरोसा जताया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल और तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े लीडरों ने विश्वास जताया, भरोसा जताया है। इस विश्वास में खड़े उतरेंगे। हमारा मिशन रहेगा 75 प्लस
बना के हम सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। उदयपुर के चिंतन शिविर में ये बात हुई थी कि 50 साल से कम उम्र के 50% युवकों को संगठन में जगह दी जाएगी, आपसे शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर चिंतन शिविर का नतीजा है कि आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दे रहा है, उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में भी जब युवाओं को मौका मिला है बड़ी जिम्मेदारी है काम करने के लिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में अब हर जगह अब युवाओं को मौका दे रही है, युवा आगे आए और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और देश भी हमको सरकार बनाना है, इसलिए युवाओं को मौका लगातार दे माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मंत्री बन गए, बधाई, और हमारे बड़े भाई हैं, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोगों में अच्छा मैसेज है कि बस्तर से एक दोबारा अध्यक्ष बने और दूसरे को मंत्री पोस्ट मिला, आपको याद है सौभाग्य है सर, आपको याद है न्यूज एटीन में सबसे पहले आप ममता बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से। रोड शो इस वक्त दीपक बैज का निकल रहा है, स्वागत जोर शोर से बारिश के बीच। ये सीधी तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर में पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। तो बड़ी जिम्मेदारी दीपक बैज को दी गई है, चुनावी साल में कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में चुनौतियां जरूर रहेंगी, बड़ी चुनौतियां रहेंगी, संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाकर कैसे चुनावी तैयारियों को रफ्तार दी जाए, ये बड़ी खबर। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रायपुर से दीपक बैज। की जोरदार स्वागत उनका। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दरअसल दीपक बैज को नई जिम्मेदारी मिली है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया है मोहन मरकाम की जगह, और मोहन मरकाम अब सरकार में मंत्री बन चुके हैं। और सवाल भी न्यूज 18 संवाददाता ने संबंध में किए कि भाई जो पुराने अध्यक्ष हैं उनके समर्थकों से या उनसे तालमेल बन पाएगा, तब जवाब भी दीपक बैज का कि भाई कोई नाराजगी नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे। मोहन मरकाम को उन्होंने बधाई भी दी मंत्री बनने पर, बड़े भाई कहा भी कि उन्होंने बड़े भाई हैं और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं और दफ्तर पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे दीपक बैज, उनके स्वागत की भी जबरदस्त तैयारियां हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है। सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और अब रोड शो के दौरान भी जोर शोर से उनका स्वागत जगह जगह हो रहा है, नारेबाजी दीपक बैज के पक्ष में हो रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये रोड शो भव्य रोड शो, हम कहें कि हल्की बारिश और बारिश के बीच भी उत्साह बरकरार है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का। ममता बिल्कुल देखिए, और दीपक बैज को जो है जी बिल्कुल देखिए दीपक बैज को जो है वो धान से तौला जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुबरी जो है वो पहने हुए है दीपक बैज, और बरसते बारिश में जो है एलओसीआई के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनको धान से तौला जा रहा है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे न्यूज 18 पे, और छत्तीसगढ़ की जो पहचान है अब वो धान ही है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और कोई भी शुभ काम किया जाता है तो धान से जो है वो तौला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपक बैज को जो है
उत्साह जबरदस्त है और जी आप देखिए मैं अपने कैमरा से कहूंगी और पूरी तरीके से उत्साह में जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं और तो दिखाइए तो ये जो है आप देखिए कि किस तरह का उत्साह जो है वो एनएसआई के कार्यकर्ताओं पर में है और वो धान से जो है वो दीपक बैज को तोड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पहचान है जो धान है और यहाँ पर देख सकते हैं जी फूलों की बारिश की जा रही है। दीपक बैज से हर कोई मिलना चाहता है, फूलों की बारिश की जा रही है और हालांकि वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, हर किसी से जो है मिलने के लिए। कार्यकर्ता जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दीपक बैज का, नहीं ले सकती नहीं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दरअसल दीपक बैज को न केवल धान से तोला गया है बल्कि फूलों की बारिश भी उन पर हुई है और स्वाभाविक है कि अब नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, सबसे तालमेल भी उन्हें बिठाना होगा, हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता की बात भी उन्हें सुननी होगी और चुनावी वर्ष में ये बड़ी जिम्मेदारी है दीपक बैज पर और कुछ पलों में वो जैसे ही दफ्तर पहुंचेंगे वहां पदभार भी ग्रहण करेंगे। ममता लगातार तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए और उत्साह जबरदस्त है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें दीपक बैज का स्वागत करने का। युवा जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के एनएसयूआई के वो भी बेहद उत्साहित हैं। उदयपुर चिंतन शिविर का नतीजा है कि आज देश भर में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दे रहा है, उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में भी जब युवाओं को मौका मिला है बड़ी जिम्मेदारी है काम करने के लिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में अब हर जगह अब युवाओं को मौका दे रही है ताकि युवा आगे आए और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और देश भी हमको सरकार बनाना है, इसलिए युवाओं को मौका लगातार दे रहा है। काम के जो समर्थक है उनको कैसे बनाएंगे सर, क्योंकि थोड़ी नाराजगी माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी मंत्री बन गए बधाई और हमारे बड़े भाई हैं, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोगों में अच्छा मैसेज है कि बस्तर से एक दोबारा अध्यक्ष बने और दूसरे को मंत्री पोस्ट मिला। तो ये रोड शो देख रहे हैं आप दीपक बैज का और इस बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है, 18 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया अगले 3 घंटों के लिए। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बालोद, बालौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राजनांदगांव के लिए भी मौसम विभाग का ये अलर्ट है। अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो छत्तीसगढ़ का मौसम का मिजाज बदल गया है, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत, 18 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए। मौसम विभाग का ये अलर्ट है। जिन जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया उनमें बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर के लिए अलर्ट हुआ है। धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद के लिए भी अलर्ट हुआ है। मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। राजनांदगांव के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट हुआ है। अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो 18 से ज्यादा जिलों के लिए यह अलर्ट है और यानी 18 जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है 18 जिलों में। इनमें तमाम जिले बालोद, बलौदा बाजार, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है, अगले 3 घंटों में अच्छी खासी बारिश होगी, तेज बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुल 18 जिले जहां के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कई इंटीरियर इलाके जहां पर बारिश के बाद जो कस्बों से या मुख्यालयों से संपर्क टूट जाता है, ऐसे में लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की दरकार है।
तनु वर्मा न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। तनु, और क्या बता रहा है मौसम विभाग, 18 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है? जी देखिए, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज जो है बारिश का दौर जो है वो फिर से शुरू हो गया है, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए प्रदेश के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी सहित तमाम जिलों के लिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 4 घंटे के लिए प्रदेश के 5 संभागों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर की हवाओं से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव के कारण फिर मौसम के मिजाज में यहाँ जो है वो बदलाव देखा जा रहा है, और आने वाले अभी 1 हफ्ते तक मौसम का मिजाज जो है छत्तीसगढ़ में यूं ही बना रहेगा और लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तनु आप बता रहे हैं 1 हफ्ते तक लगभग मौसम का जो मिजाज है इसी तरह का रहने वाला है, यानी कि ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट रहने की दरकार है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बारिश की वजह से राजधानी रायपुर में भी और पूरे प्रदेश में भी जलभराव वाली स्थिति निर्मित होती है। लगातार आम जनमानस को है वो काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, और बेमौसम इस बारिश से आम जनजीवन जो भी अस्त व्यस्त होता है, ऐसे में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे प्रशासन की ओर से भी इसको लेकर तैयारी किया जाए। जी शुक्रिया तनु आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और मध्य प्रदेश आपको लिए चलते हैं, सीएम शिवराज सिंह का मेगा रोड शो, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, शामिल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आष्टा से ये तस्वीरें लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ा रोड शो आयोजित हो रहा है आष्टा में, जबरदस्त उत्साह लोगों में, भारी हुजूम इस रोड शो में। रथ पर सवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको आष्टा से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रथ पर सवार हैं। एक बड़ा रोड शो आयोजित हो रहा है और इस रोड शो के बाद लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, महिलाओं से, लाडली बहनों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।